दोस्तों आप सभी का स्वागत है YPD Academy इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन देखने को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है? तो केरल राज्य ने सबसे पहले यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने नौसेना ने हिंद महासागर रीजन नौसैनिक अभ्यास प्रारंभ किया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है? तो बिहार राज्य के DGP ने सेवानिवृत्ति ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एशले बार्टी ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों के लिए 3,700 करोड़ राहत पैकेज की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी फॉरेस्ट आनंदवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंदवन का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 सितंबर को मनाया गया है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर मौसिक विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने ये विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केबल टेस्ट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में ये उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकार ने गैर संक्रमण रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल राज्य ने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर बसु का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वो एक वैज्ञानिक थे, शेखर बसु, उनका निधन हुआ है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन और उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो असम राज्य ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो कंबोडिया देश के साथ ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT कानपुर के साथ किया है भारतीय रेलवे ने साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KVIC ने अपने सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सुनील शेट्टी को नियुक्त किया है KVIC ने अपने सलाहकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जिमेक्स की शुरुआत की है? तो जापान देश के साथ भारत ने जिमेक्स अभ्यास की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया है? तो लेबनान देश के प्रधानमंत्री ने यह इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये घोषणा की है या योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? नीतू डेविड बनी है भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवर किट का शुभारंभ किया है? तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंत्रा का ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिशा पटानी है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनसीएआर ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12.6% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF ने वर्ष सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरप्रीत सिंह सिंधु और मिडफील्डर संजू को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य सरकार ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना अध्यक्ष जनरल मुकुंद नरवाने किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो म्यांमार देश के 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे जनरल मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य को सबसे पहला स्थान मिला है स्वच्छ भारत पुरस्कार में 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो पेटीएम ने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसओवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस 2020 का समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, इन्होंने इस उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार चुनाव के लिए किसे विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधु महाजन और बीआर बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है। किस आईआईटी ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने टेलीविजन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने चाल वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशर अल खसाब को किस देश ने अपना पंतप्रधान नियुक्त किया है? तो जॉर्डन देश ने नियुक्त किया है। किस राज्य ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल डिस्टाओ शुरू किया है? तो गोवा राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इजराइल देश के साथ साझेदारी की है मेघालय ने। किस राज्य के कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ओडिशा राज्य के नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ये ओडिशा राज्य के है। ऑनलाइन बिजनेस मेटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा किसने लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण ने ये लॉन्च किया है। क्वेश्चन है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो रूस देश के अध्यक्षता में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फॉर्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? तो होंडा ऑटोमोबाइल ने एक घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है 17 अक्टूबर को। किस देश के क्रिकेटर उमर गल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान देश के उमर गल ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये पाकिस्तान देश के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया जाएगा? तो कजाकिस्तान के साथ आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने ये प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को INS सिंधुवीर को लीज पर देने की घोषणा की है? तो म्यांमार देश को लीज पर देने की घोषणा की है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की वर्चुअल मीट की मेजबानी किसने की है? तो भारत देश ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में शुरू हुआ है। किस बीमाकर्ता कंपनी ने न्यू जीवन शांति योजना लॉन्च की है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम में यानी कि LIC ने ये शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मदद द्वारा स्थापित मंगछौदु जल विद्युत परियोजना किस देश में बनाया गया है? तो भूटान देश में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता मांगी है? तो बांग्लादेश ने $500 मिलियन की घोषणा मांगी है विश्व बैंक से। भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और म्यांमार की सीमा पर ये जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य ने PM आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदौसी रहा है शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए Paytm के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SBI ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने UV-3016 सैनिटाइजर मेड्यूल रोबोट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निम्बोबन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? मालदीव देश की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो ओडिशा राज्य में आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 की पहली 6 माह किसने सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCC का 72वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 22 नवंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2000 नए गौ आश्रयों का निर्माण करने का घोषणा किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने घरेलू कार्य में विश्व की पहली COVID-19 स्व परीक्षण किट को मंजूरी दी है? तो अमेरिका देश में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1300 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर पाकिस्तान में किस जिले में खोजा गया है? तो स्वात जिले में खोजा गया है। 1300 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर पाकिस्तान में स्वात जिले में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने की फैसला किया है? तो कनाडा देश ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसेस लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड ने देश ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय 17 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम प्रकाश ने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में चापरे वायरस पाया गया है? तो बोलिविया देश में चापरे वायरस पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल में स्थापित किया गया है भारत का पहला मॉस गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य शिखर बिड़ला कला शिखर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगज दिवस कब मनाया गया है?
तो 3 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन पहुंचा है? तो इंग्लैंड पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो अफगानिस्तान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दुबई देश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा रहा है? तो सिंगापुर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य के लिए ADP के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज 12,000 OID रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? तो जापान देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो 12 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, OLA के EV व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूलियन गेफर्ड को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक पर RBI ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोफिया केनन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा किया है? तो 1,000 केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा किया है 1,000। अगला क्वेश्चन है, सेंटेनेवल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो देहरादून में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका इंडिया टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो क्विंटन डी कॉक को नियुक्त किया गया है साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान। अगला क्वेश्चन है, वॉलमार्ट ने किस देश से 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा की है? तो भारत देश से निर्यात करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है? तो फ्रांस देश 23वां सदस्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेंट फॉर इंडिया लैंग्वेज टूल लॉन्च किया है? तो गूगल ने ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने NPCI के साथ मिलकर रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी किस राज्य के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 की रिपोर्ट जारी की है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की है। किसने 2020 का BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित की है? तो हैदराबाद में स्थापित की है पहली 5G इनोवेशन लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC द्वारा घोषित दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS धोनी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत द्वारा भेंट की पनडुब्बी INS सुदीवर को कमीशन किया है? तो म्यांमार देश ने कमीशन पर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो अमेरिका देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो बिहार राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल गठन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल गठन करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तर उसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गए थे 3 दिवस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुप्रतीक्षित तानसेन संगीत समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ग्वालियर में शुरू हुआ है बहुप्रतीक्षित तानसेन संगीत समारोह। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग का समर्थन करने के लिए समझौता किया है? तो इजराइल देश के साथ समझौता किया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड ने अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड ने अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, सुनीत शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष के सीवन का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया है? तो 1 साल तक बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान के लिए एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है स्मारक स्थापित करने का। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल को निर्यात की मंजूरी दी है? तो आकाश मिसाइल को निर्यात करने की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऐप डिजिनेस्ट लॉन्च किया है? तो पंजाब राज्य ने ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, IAF ई गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा RKS भदौरिया ने IAF गवर्नेंस ऑफिस का पोर्टल का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, PR रवि को किस राज्य का पहला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में PR रवि को पहला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ग्रीन प्रोफेशनल तत्कालीन विकसित कर रहा है? तो इसरो ये विकसित कर रहा है। दोस्तों, आप सभी को ये सारे प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।